विकास के नाम पर दावे तो बड़े बड़े किए गए, योजनाओं के नाम पर करोड़ों खर्च भी हुए हैं, नहीं हुआ है तो सिर्फ विकास। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाढ़ के रैली ग्राम पंचायत की। विकास के नाम पर सरकारी फंड से करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन धरातल पर कहीं भी विकास नहीं दिखता। गली और नाला निर्माण की योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, जबकि फंड से पैसे निकाले जा चुके हैं। विकास के नाम पर आने वाले सारी योजनाएं इस पंचायत में लूट की भेंट चढ़ चुकी हैं। सारे रकम कहाँ गए? योजनाएं क्यों नहीं पूरी हुई? इसे देखने वाला कोई नहीं। ऐसे में इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ना चाहिए इसका। नहीं ढका हुआ तो क्या कोई दिक्कत आप लोग को है? हाँ, बच्चा गिर गया है दो बार। अपने को बराबर गिर जाता है ना, आने जाने वाला लोग के भी दिक्कत होगा। हाँ, सबको दिक्कत होता है, दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से लगभग 100 मीटर और लंबा नाला बनना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए पैसा मुखिया जी नहीं दे रहे। अब वार्ड सदस्य या और का ये कंप्लेन है कि कमीशन के चक्कर में पैसा पंचायत सचिव सुमित जी और मुखिया जी नहीं दे रहे। वहीं गड़बड़ झाला सामने आने के बाद पंडारक प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जांच कर मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। पूर्व में यह रोड इसलिए लंबित था कि जिला पार्षद का रोड था, वहां से एनओसी निर्गत नहीं हुआ था। विगत कुछ एक दो महीने पहले वहां एनओसी प्राप्त हो चुका है, कार्य इधर एक महीने पहले प्रारंभ हुआ है और कार्य प्रगति पर है। अभी तो वहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है, काम तो बंद है, सारा के पैसे के अभाव में नहीं हो रहा है। वार्ड सदस्य का कहना है, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को 13,96,000 की प्राकृत राशि है, जिसमें 9,00,000 कुछ रुपए ट्रांसफर किया जा चुका है, जो कि प्राकृत राशि का लगभग 70% है। ग्रामीणों के आरोप में कितनी सच्चाई है यह तो जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा। जरूरत इस बात की है कि अधूरी पड़ी योजनाएं जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि ग्रामीण की समस्या दूर हो सके। बाढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।